ड्रामा सिर्फ क्यामत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। इफ्रा नरगस बेगम से कहती है कि अब आपकी ये चाली मेरे सामने मजीद नहीं चलने वाली। आपने और ताया जान ने जो मेरे माँ बाप की दौलत पर कब्जा किया है, मैं उसे एक एक चीज का आपसे हिसाब लूंगी। जिस पर नरगस बेगम इफ्रा से कहती है, इफ्रा ये मत भूलो कि तुम किसके घर में अभी मौजूद हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें इस घर से निकाल सके। ये सब जायदाद तुम्हारे ताया मुख्तियार साहिब के नाम है और कोई भी इसे इतनी आसानी से छीन नहीं सकता। तब इफ्रा नरगस बेगम से कहती है कि ताई अम्मी, ये आपकी भूल है। मैं भी ये देखती हूँ कि फैक्ट्री और ये घर आपके नाम कितनी देर तक रहता है। ये कहकर इफ्रा वहाँ से चली जाती है। तब नरगिस बेगम काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इफ्रा जो ठान ले वो करके ही गुजरती है। दूसरी तरफ अगर बात करें राशिद की, तो राशिद ये बात पहले ही जानता था कि ये फैक्ट्री और ये घर उसके चचा के नाम थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा से सब कुछ छीन लिया। इसलिए राशिद को इस बात का भी गुस्सा है कि आखिर ये सच्चाई इफ्रा को कैसे पता चल गई। उसका रवैया भी दिन ब दिन इफ्रा से सख्त होता जा रहा है। ड्रामा सिर्फ क्यामत की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।